कभी कभी हमारा बहुत ही यूनिक खाने का मन करता है और हम बाहर भी नहीं जा सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए पनीर रोल की बहुत ही यूनिक और टेस्टी डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए आई चलते हैं। यहाँ मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और इसके बाद यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहे तो इस रेसिपी को पूरे मैदे से या तो पूरे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ जब आप मिक्स करके बनाओगे ना, तो सच में जो हम पहले रोल बनाएंगे, मतलब जो पराठे होंगे हमारे, वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट होंगे। तो आप दोनों चीज़ को, मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप दोनों चीज़ को मिक्स करके ही बनाइए। इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अच्छे से पहले नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे, इसको भी फिर आपस में मिक्स कर देंगे। इसके बाद पानी डाल के हमको इसका बहुत हार्ड डो नहीं रेडी करना, हमको थोड़ा सा इसका सॉफ्ट डो ही बना के रेडी करना है, ताकि जो हमारे पराठे बने तो वो बहुत ही सॉफ्ट बने और नरम बने। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे से गूंथ लेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा गूंथ लेंगे, ऐसे हाथों की उंगलियों की सहायता से गूंथ लेंगे। आप याद रखिए, आप जितना ही इसको आटे को गूंथेंगे, जितने ही इसको सॉफ्ट करेंगे ना, उतने ही आपके पराठे जो होंगे वेज रोल के, वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही नरम बनेंगे। ये देखिए, जो हमारा आटा है वो लग के रेडी हो गया है। अब इसको ढक देंगे, तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में 2 से 2 चम्मच ऑयल लिया है। इसके बाद इसमें यहाँ मैंने डाली हूँ 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, 2 से 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़ों को ऐसे मैंने कट करके डाला है। आप चाहें तो इसमें कद्दूकस भी करके अदरक डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ऐसे कट कर लिया है लंबाई में, इसको भी हम डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमको इसको पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हमको कितना करना है कि जो हमारे प्याज है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए और उनका जो कच्चापन है वो भी चले जाए। तो इसमें अभी हमको कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमको प्याज को ही भूनना है, ताकि जो हमारी प्याज है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ मैंने 1 शिमला मिर्च ले ली है। अगर आपकी शिमला मिर्च बड़ी है, छोटी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग शिमला मिर्च भी लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ शिमला मिर्च को भी ऐसे लंबाई में कट कर लिया है। तो आप शिमला मिर्च को भी ऐसे लंबाई में और प्याज को ऐसे लंबाई में जब कट करके देखेंगे ना, तो सच में जो आपके रोल होंगे वो बहुत ही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दिखेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने 150 ग्राम पनीर ले ली है। तो पनीर और प्याज और शिमला मिर्च की क्वांटिटी आप घर के अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा, जैसे मतलब आपके घर में पनीर हो, जैसे मतलब घर के फैमिली मेम्बर हो, उसी हिसाब से आप ये सारे मेजरमेंट की क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ 250 ग्राम को पनीर को ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच सेजवान चटनी डालेंगे। अगर आपके पास सेजवान चटनी नहीं है, तो आप यहाँ रेड सॉस और चिली सॉस को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच टमाटो सॉस डाला है। तो जब ये दोनों चीज़ों को आप डाल के और वेज रोल बनाएंगे ना, तो सच में फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानोगे, और इतने टेस्टी वेज रोल बनेंगे कि आप बाहर के खाना वेज रोल छोड़ देंगे। सच बता रही हूँ, इतने टेस्टी बनेंगे। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में, हस्बैंड को लंच बॉक्स में, बच्चे जब स्कूल से आ जाए तब इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको सारे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारे ग्रेवी में थोड़ा बहुत पानी है तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए, अच्छे से सूख जाए। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इस रेसिपी को कभी भी बनाइए, और इससे क्या होता है कि बच्चे हमारे जो पनीर में प्रोटीन होती है वो भी बच्चे आराम से खा लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमने आटा को ढक के रखा था, आइए चल उसको उसको अच्छे से लोई मतलब कट कर लेंगे। इसकी लोइयाँ थोड़ी सी बड़ी रहेंगे, क्योंकि हमें रोल बनाना है, तो रोटी और पूरी के अकॉर्डिंग हम इसका बड़ा पराठा हम इसका बना के रेडी करेंगे। तो पहले इसको अच्छे से ऐसे राउंड राउंड करके इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि कोई क्रैक ना हो इसमें। और आटा भी देखिए हमारा बिल्कुल सेट हो गया है फूल के। इसमें थोड़ा सा आटा, या तो आप मैदा या तो आटा डस्ट कर लीजिए, आपकी जो मन मतलब पसंद हो आप उसको डस्ट कर लीजिए। इसके बाद इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो बेलेंगे हम अपने
ज़्यादा हम इसको पतला भी नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे। तो हमको इसको बिल्कुल अच्छे से बेल लेना है गोल में, जैसे ये दिख रहा है। ये देखिए मेरा इतना बड़ा पराठा बन के रेडी हो गया है। इसकी थिकनेस भी मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब बहुत ज़्यादा हमको पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, बिल्कुल जैसे नॉर्मल पराठा पूरी बोलते हैं वैसे ही बेलना है। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे कि ऑयल लगा देंगे, तो ऐसे ब्रश से ऑयल लगा देंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप किसी भी चम्मच से, स्पून से आप इस ब्रश में लगा सकते हैं, ब्रश लगा देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे। तो ये देखिए जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह सूखा आटा डस्ट कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि इसको ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड करते चले जाएंगे। तो देखिए पहले मैं उठाई, फिर इसके बाद नीचे की ओर फोल्ड की, फिर हमको इसी प्रोसीजर से करना है। फिर मैं हम नीचे से जो हमारा पराठा उसको अच्छे से चिपका देंगे। इसके बाद फिर से ऊपर को उठाएंगे और फिर से जो नीचे का पराठा हो जाता है उसको नीचे से फिर से चिपका देंगे। तो देखिए जैसे पहले ऊपर से उठाए, इसके बाद वही पराठा को नीचे चिपका देंगे। इस टाइम जो हमारा पराठा है तो बिल्कुल लच्छेदार पराठे हमारे बन के रेडी होंगे, और सच में बहुत सॉफ्ट और बहुत मतलब नरम पराठा बन के रेडी होगा। आप इस तरह से पराठा बना के भी अपने बच्चों को लंच बॉक्स में और हस्बैंड को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके बाद ऊपर का जो लास्ट पोर्शन है वो ऊपर की तरफ दबा के अंदर से इसको अंदर की ओर प्रेस कर देंगे, अंदर की ओर मतलब प्रेस कर देंगे। इसके बाद इसमें अच्छे से इसको चिपका के ऐसे और सूखा आटा डस्ट करके इसको अच्छे से बेल लेंगे। फिर से हमको इसको दोबारा से बेल लेना है। तो आप चाहे तो बहुत ज़्यादा सूखा आटा मस्त डस्ट करिएगा, उससे क्या होता है कि हमारे जो रोल होंगे वो थोड़े से मतलब ड्राई होने लगे। ड्राई के मतलब कि वो ज़्यादा अगर आप लगा दोगे तो रोल अच्छे नहीं दिखेंगे, उनका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो कोशिश करिएगा कि आप जितना कम हो उतना कम ही सूखा आटा डस्ट करिए। इसके बाद आप चाहे तो मैदा भी डस्ट करते हैं, क्योंकि मैदा बहुत हल्का होता है, उससे आपके पराठे में कलर का चेंज मतलब कलर नहीं चेंज होगा। तो देखिए जो मेरा पहला पराठा है वो बना के रेडी कर ली हूँ। तो अब आपको मतलब मैं आपको दूसरा पराठा भी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए पहले मैं इसे बेल लूँगी, इसको उसी तरह बेल लेंगे, एक बड़ा सा पराठा बना के रेडी कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। आप चाहे तो आटा मैदा कुछ भी इसमें डस्ट कर सकते हैं, तो इसमें सूखा आटा डस्ट करेंगे। इसके बाद इसको ऊपर की तरह ऊपर की तरफ पहले लेके जाएंगे, फिर इसके बाद नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे। आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर से नीचे की ओर प्रेस कर देंगे। इसी तरह हम अपना दोनों पराठा जो हम आपके जितने भी वेज रोल हो, आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। कि सच में कह रही हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, आपके घर वाले यकीन नहीं मानेंगे कि ये आप रेसिपी अपने घर में बनाई है। इसी तरह इसको फिर अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। इसके बाद इसको ऐसे ही मतलब ऐसे जैसे हम पहले राउंड राउंड किए थे वैसे गोल करके, ये देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा ऐसे करके, और ऐसे ऊपर की ओर से इसको अंदर की ओर प्रेस कर देना। तो ये देखिए बन जाता है हमारा लच्छेदार पराठा, और बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम बन के रेडी होगा। आप इसको ऐसे घर में भी बना के खा सकते हैं। इसके बाद सूखा आटा थोड़ा तो डस्ट करेंगे। इसके बाद सूखा आटा डस्ट करने के बाद इसको भी हम अच्छे से बेल लेंगे। तो आपको बेलने में ही लेयर इसकी दिख रही होगी कि कितना मतलब कितना सॉफ्ट और कितना मतलब लच्छेदार पराठा बन के रेडी होगा। तो आपको दिख रहा है ये भी हमारा पराठा, दोनों हमारे बन के रेडी हो गए हैं। आप अपने हिसाब से इसको छोटे बड़े मतलब, लेकिन वेज रोल के जो पराठे होते हैं वो थोड़े से बड़े ही होते हैं, क्योंकि हमको उसमें सारे पनीर और सारी स्टफिंग बननी पड़ती है। इसके बाद इसको तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तवे को गर्म करने के बाद इसमें जो हमारा पराठा है वो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको एक से दो सेकंड तक बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जब नीचे से थोड़ा सा पक जाए तब इसको पलट देंगे। इसके बाद इसमें आप ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल या तो घी कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपको इसमें क्या लगाना है। मैं यहाँ नॉर्मल ऑयल ही लगा रही हूँ। इसके बाद इसको नीचे जब लग जाए तो इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। इसके बाद दूसरी ओर भी हम इसको मतलब अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, सच में बता रही हूँ आपको बहुत ही टेस्टी रेसिपी लगेगी। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे, और जब आपका स्कूल से बच्चे आएंगे तो सारा टिफिन और लंच बॉक्स सारा फिनिश करके आएंगे।
एक बार जरूर इस रेसिपी को बनाइएगा। इसके पराठे जो आप बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम पराठे बनके रेडी होंगे। तो आप एक बार पराठे और ये बिचौर की रेसिपी जरूर अपने घर में ट्राई करिएगा, सच में बता रही हूँ आपको बहुत अच्छी लगेंगे। इसके बाद इसको दोनों तरफ से ऐसे दबाते हुए इसको अच्छे से सेक लेंगे ताकि जो हमारा पराठा है वो बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए। इसी तरह ये देखिए हम अपना दूसरा पराठा भी बना के रेडी कर लेंगे। तो आपको वीडियो में दिख रहे होंगे दोनों पराठे कितने अच्छे से पक के रेडी हो गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपके ये वेज रोल बन के रेडी हो गए, पनीर वेज रोल बिल्कुल ही रेडी होंगे। अब आइए चलते हैं दूसरी तरफ अपना वेज रोल बनाने की ओर। यहाँ क्या करेंगे कि एक पराठा ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा मेयोनीज, ये मैंने कुछ मेयोनीज डाला है, इसमें और भी कोई मेयोनीज लगा सकते हैं। फिर थोड़ा सा टमाटो सॉस लगा के इसको अच्छे से पराठे के ऊपर फैला देंगे ताकि जो हमारा पराठे हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे लगे खाने में। इसके बाद जो हमारी स्टफिंग है, हमने पनीर की स्टफिंग बना के रेडी कर ली थी, उसको इसमें अच्छे अच्छे से ऐसे लंबाई में प्रेस कर देंगे, मतलब ऐसे डाल देंगे अच्छे से। स्टफिंग आप अपने मनपसंद की कितनी ज़्यादा कितनी कम करनी है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सफ़ेद वाले तिल डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है, और इसको बस ऐसे ही घुमा के ऐसे फोल्ड कर देंगे। आपके पास टूथपिक हो तो आप इसको टूथपिक से इसको अच्छे से दबा सकते हैं, टूथपिक से मतलब टूथपिक लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं था। इसके बाद इसी तरह मैं अपना दूसरा जो मेरा रोल है उसे तक बना लूंगी। इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से रैप कर देंगे ताकि जो हमारे खा कोई खाए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू।